हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम विनय पांडे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का डेरिवेशन आज देखेंगे। क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। 3/8 का जो रूल है, क्योंकि अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि सारे जितने ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले निकले हैं क्वाड्रेचर फॉर्मूला से, एन की वैल्यू चेंज करते हुए। तो सिम्पसन ने दो फॉर्मूले बनाए, एक 1/3 और एक है 3/8। 1/3 फॉर्मूले में उसने क्या किया, एन की वैल्यू 2 रखी थी। 3/8 में इसने एन की वैल्यू 3 रख दी। तो पुटिंग एन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब एक्स नॉट, तीन इंटरवल क्या बनेगा, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h एंड एक्स नॉट प्लस 3h। इट मीन्स द फॉरवर्ड डिफरेंस आफ्टर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इज 0। द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स इन दिस केस विल बिकम 0। जितने फॉरवर्ड डिफरेंस हैं थर्ड डिफरेंस के बाद, वो सारे 0 हो जाएंगे। 1/3 में हमने देखा था कि थर्ड के बाद सब 0 हो गए थे। अभी मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि 1/3 रूल से जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू क्या रखनी है, क्या ध्यान में रखना है। और 3/8 में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एन की वैल्यू जो, जब आप नंबर ऑफ इंटरवल्स में उनको डिवाइड करोगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, ये सबसे मेन है जो आपको एग्जामिनर चेक करेगा वहाँ पे, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको देखिए आप, एन की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस 3h एफ एक्स डी एक्स एच, ये हो गया 3y0, 3 स्क्वायर यानी कि 9/2 डेल वाई नॉट, 1/2 27/3 माइनस 9/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट, 1/6 ये हो जाएगा 81/4 माइनस 27 प्लस 9 डेल क्यूब वाई नॉट। बाकी सारे टर्म्स क्या हो गए, 0 हो गए। एच 3y0 9/2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट क्या होता है, y1 माइनस y0 प्लस 1/2, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, ये हो गया 54 और माइनस 27 डेल स्क्वायर वाई नॉट को मैं लिख सकता हूँ डेल इंटू डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट क्या हो जाएगा y1 माइनस y0 1/6, ये हो जाएगा 81 माइनस 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 18, तो 81 माइनस 72/4 डेल क्यू वाई नोट को मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस वाई जीरो। एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, एच 3y0 9/2 y1 माइनस y0 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 27 हो जाएगा आई थिंक। तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 और y0 का फॉर्मूला y1 माइनस y0 प्लस हो जाएगा y0 1/6 ये हो जाएगा 9/4। इसमें फिर एक डेल का फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा y0। कैलकुलेशन भी आप ध्यान से चेक करते रहिएगा। तो x0 से x0 प्लस 3h हम निकाल रहे हैं फिलहाल, एफ एक्स डी एक्स एच 3y0 प्लस 9/2 y1 माइनस y0 ये हो जाएगा 3 9 9/4 y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और ये 3 2 3 3 3/8। y2 में फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 ये y2 सॉरी y1 माइनस का 2y1 हो जाएगा। इसमें डेल से ऑपरेट करेंगे
तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि माइनस टू वाई टू प्लस टू वाई वन, और वाई जीरो में फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई वन माइनस वाई जीरो। फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको आता है तो फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थ्री वाई नॉट नाइन बाई टू वाई माइनस सॉरी वाई वन, वाई वन माइनस वाई नॉट नाइन बाई फोर वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट थ्री बाई एट वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट। इसमें देखिए अगर सब में हम 3 बाई एट कॉमन ले लें तो 3h बाई एट बाहर लिख दिया मैंने, 3 तो कॉमन आ रहा है, 8 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ 8 वाई नॉट आएगा, या अगर ऐसे कन्फ्यूजन है आपको तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एट वाई नॉट या 4 इंटू नाइन y1 वन माइनस वाई नॉट प्लस नाइन इंटू टू वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, और यहाँ पे थ्री वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नॉट, एट बाहर ले लिया। अब देखिए थ्री भी कॉमन आ रहा है, यहाँ थ्री कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा थ्री, यहाँ बचेगा थ्री, और यहाँ से थ्री कॉमन लिया तो यहाँ वन बचेगा, तो थ्री एच बाई एट हमने बाहर लिख दिया। तो 3h बाई एट वाई नॉट वाले टर्म्स देखिए आप, 8 वाई नॉट ये हो जाएगा 12 वाई वन माइनस 12 वाई नॉट, 6 वाई टू माइनस 12 वाई वन प्लस 6 वाई नॉट प्लस वाई थ्री माइनस 3 वाई टू प्लस 3 वाई वन माइनस वाई नॉट, 3h अपॉन 8 वाई नॉट, 8 वाई नॉट प्लस 6 वाई नॉट कितना हो जाएगा 14 वाई नॉट, और माइनस का 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13 वाई नॉट, तो 14 वाई नॉट माइनस 13 वाई नॉट कितना हो जाएगा वाई नॉट। वाई वन वाले टर्म्स देखते हैं, 12 वाई वन और 12 वाई वन तो कैंसिल हो गया, 3y1 एक 3y1 आपको मिल रहा है, y2 वाले टर्म्स 6y2 माइनस 3y2 3y2, और y3 वाला सिर्फ एक टर्म मिल रहा है y3। तो आप देखिए जो x0 से x0 प्लस 3h हमने इंटीग्रेट किया तो पहला टर्म y0 आ रहा है 3y1 3y2 और y3, ये वैल्यू आ गई x0 से x0 प्लस 3h fx dx। सबसे मेन यही है यहाँ पे कि आप पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी देखा था सिमिलरली x0 प्लस 3h से x0 प्लस तीन तीन का गैप आ रहा है 6h तक हम जाएंगे, fx dx कितना हो जाएगा उसमें भी 3h बाई 8 आएगा, यहाँ y0 से शुरुआत हो रही है तो यहाँ y3 से शुरुआत होगी, फिर 3y4 थ्री वाई फाइव और वाई सिक्स आ जाएगा। ऐसे हम सारे इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालते रहेंगे और हम क्या करते थे उसके बाद लास्ट में इन सबको ऐड कर दे रहे थे। तो लास्ट इंटरवल अगर हम देखेंगे तो लास्ट इंटरवल में देखिए आप एक्स नॉट प्लस एन एच, और यहाँ क्या आ रहा होगा एक्स नॉट प्लस एन माइनस थ्री एच एफ एक्स डी एक्स, तो थ्री एच बाई एट, यहाँ आ रहा होगा y n माइनस थ्री थ्री वाई एन माइनस टू थ्री वाई एन माइनस वन और y n। बाकी ये समझिए कि हमने इसके बीच की सारी वैल्यूज़ निकाल दी है, अब इन सारी वैल्यूज़ को आपको ऐड कर देना है। ऑन एडिंग डिटेल में अब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दो वीडियोज़ में हम देख चुके हैं इन सबको ऐड करके क्या बन रहा था, x0 से b x0 प्लस nh वही इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी 3h बाई एट।
अब आप देखिए इसमें कैसे किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। यहाँ वाई नॉट और जो लास्ट वाला टर्म है वाई एन, इन दोनों टर्म्स को आप देखिए, ये दोनों टर्म जो है एक ही बार रिपीट हुए हैं, एक ही बार आ रहे हैं उसके बाद नहीं आ रहे हैं, तो इसको एक साथ देख लिया। अब वाई वन, वाई वन के बाद वाई फोर, वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। तो क्या आपको पता लग रहा है इसमें जो थ्री वाले टर्म्स हैं वाई वन वाई टू फिर वाई फोर वाई फाइव, इस तरीके से टर्म्स आ रहे हैं, वाई वन प्लस वाई टू फिर वाई फोर प्लस वाई फाइव। फिर क्या पता लग रहा है इसमें कि यहाँ जो थ्री के मल्टीपल्स वाले टर्म्स हैं वो थ्री के मल्टीपल्स वाले टर्म्स नहीं आ रहे, वाई एन माइनस वन, ये देखिए। और जो थ्री के मल्टीपल्स वाले टर्म्स हैं, देखिए अब ये वाई थ्री है, थ्री का मल्टीपल, ये वाई थ्री यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है, वाई सिक्स आ रहा है तो अगला दोबारा वाई सिक्स दो बार आ रहा होगा, यानी कि दो दो बार जो वाई थ्री वाले मल्टीपल्स हैं वो आ रहे हैं, वाई थ्री, वाई सिक्स और वाई एन माइनस थ्री। और ये आपका सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का फॉर्मूला बन गया। तो याद करने का तरीका क्या है इसको भी, कि पहले और बाहर से तो वन थर्ड में हमने देखा था एच बाई थ्री आ रहा था, यहाँ थ्री बाई एट एच आ रहा है, इसलिए थ्री बाई एट रूल इसको बोलते हैं। और बाकी याद करने का तरीका, पहला और लास्ट टर्म का सम पहले, फिर थ्री के मल्टीपल्स को छोड़ करके जितने टर्म्स यहाँ पे आएंगे वो सारे यहाँ पे उसका थ्री टाइम्स और टू टाइम्स थ्री का मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यूज़ हैं वाई नॉट, वाई वन, वाई थ्री, सॉरी वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, ये वैल्यूज़ हैं। तो आप कैसे रखेंगे इसको फॉर्मूले में, थ्री एच बाई एट, वाई नॉट सबसे लास्ट टर्म चाहे वो कोई भी हो, वाई सिक्स इसको सबसे पहले लिख देना है। अब थ्री के जो मल्टीपल हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने टर्म्स हैं, थ्री, वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, कोई भी टर्म ये ध्यान रखना कि रिपीट ना हो। और जो थ्री के मल्टीपल वाले हैं उसका टू टाइम्स वाई थ्री, वाई सिक्स आपको यहाँ नहीं लेना क्योंकि वो पहले आ चुका है। इस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका वन थ्री बाई एट रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका डेरिवेशन। अब जो मेन टर्म मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, वो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप का क्वेश्चन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का आ रहा है या थ्री बाई एट रूल आ रहा है, तो आप जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जैसे ट्रेपिजॉइडल में मैंने आपसे बोला था कि कितने भी पार्ट्स उसके डिवाइड आप कर सकते हो, उसको कितने भी इंटरवल में उसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे जो आप सब इंटरवल्स डिवाइड करोगे या तो टू या फोर या सिक्स या एट, मतलब मल्टीपल्स ऑफ टू में आपको इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमने एन की वैल्यू टू रखी थी, आपको ध्यान होगा। और जब थ्री बाई एट रूल आप अप्लाई करेंगे तो जो इंटरवल्स आप डिवाइड करोगे वो थ्री के मल्टीपल्स में, या तो थ्री या फिर सिक्स फिर नाइन, पता चल रहा आपने थ्री बाई एट रूल अप्लाई किया और सब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आपने फोर बना दिए तो गलत हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आप थ्री के मल्टीपल्स में अगर बना रहे हैं तो थ्री बाई एट रूल, और टू के मल्टीपल्स में बना रहे हैं तो वन थर्ड रूल। अब बात करें ट्रेपिजॉइडल वन थर्ड और थ्री बाई एट में, जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी थ्री बाई एट की मानी जाती है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि जितने ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से जो डेफिनेट इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल की एक्यूरेट वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं मिलती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है। तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में सबसे अच्छी एक्यूरेट वैल्यू थ्री बाई एट से आपको मिलेगी, ये आपको याद रखना है वाइवा के लिए। और कब थ्री बाई एट रूल के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, वन थर्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सबसे मेन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।